अधिष्ठाता छात्र कल्याण और महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रायोजित प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और उनके योगदान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ मंगलवार को विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया। दो दिवसीय प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और उनके योगदान विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा फूल चंद्र द्वारा लिखित गोरख वाणी और भोजपुरी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सदानंद प्रसाद, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर रवि शंकर सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, उसकी कटिंग कर, उसको याद कर, आत्मसात कर, उसको संरक्षित करता और यह मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी और मुझे आपको आज पाकर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी और अभी एक हफ्ते पहले 14 जनवरी 2019 का आपका लेख आया था इतिहास के बारे में, बहुत ही शानदार लगता है। उसका हर सेंटेंस जो है वो ओपनिंग सेंटेंस की तरह से है, उस लेख का ओपनिंग जो है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप सूत्र में लिखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। उसका ओपनिंग सेंटेंस है, भारत का अपना इतिहास बोध है लेकिन प्राचीन समकालीन भारतीय इतिहास में साम्राज्यवादी और वामपंथी पूर्वाग्रहों की भरमार। ये बचा की रिडक्शनिस्ट अप्रोच की है, हमको रिड्यूस करके खंड खंड में बांट करके विचार करती है। आप उसमें लिखते हैं कि राष्ट्र बोध सामूहिक आत्मबोध है, ये ओपनिंग सेंटेंस है उस लेख का। मित्रों, सामूहिक आत्मबोध का मूल इतिहास बोध है। राष्ट्र की समग्र वस्तु, राष्ट्र की समझ वस्तुतः इतिहास की समझ है। मैं तो ये कहूंगा कि आपने हमको शिक्षित, प्रशिक्षित और राष्ट्र निर्माण में तैयार किया। मैं अपने छात्रों को आह्वान करूंगा कि आप इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के बाद जब आपका लेख निकले तो एक बार जरूर आप पढ़िए, आपकी वैचारिकी समृद्ध होगी। इस सभा को लाभान्वित करें प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, विश्वविद्यालय के इतने दिनों से मैं आंतरिक सदस्य रूप में रहा हूँ और आज अतिथि के रूप में मुझे कुछ अजनबी सा बना दिया गया है, इसका भी बड़ा संकोच है। सभी हमारे प्राचीन, हमारे पुराने परिचित बंधु यहाँ विद्यमान हैं, सबको मैं नाम से जानता हूँ पर सबके नाम को संबोधन करने में काफ़ी समय लगने की संभावना है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि हिंदी संस्थान के सहयोग से जो ये आयोजित हो रही गोष्ठी उसमें आप सब उपस्थित हैं। मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ का भी अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने इस विषय पर संगोष्ठी का सुझाव दिया है। दशरथ समुच्चय जो बाघट द्वारा रचित है, मैं जस्ता बनाने की विधि का उल्लेख किया। इसमें रसों के उत्तम उपयोग और भारत लोक के अनेक संस्कारों का वर्णन है। साहित्य का संकोच करते हैं अपनी प्रशंसा सुनकर, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम तो प्रशंसा प्रायोजित भी करते हैं। मुझे अपनी प्रशंसा सुनकर कोई लज्जा नहीं आई।
यहाँ सब विद्वजन बैठे हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, हमारे कई लेखों का कुछ अंश अभी यहाँ प्रस्तुत भी किया गया और उस आधार पर किसी को विद्वान मान लेना यह पर्याप्त नहीं होगा। मेरी पढ़ाई अर्थशास्त्र की है तो कभी कभी मैं संस्कृत बोलने लगता हूँ, कभी कभी मैं और नई बातें करने लगता हूँ तो लोगों को आश्चर्य होता है। आपके लिए आश्चर्य की बात एक छोटी सी इतनी हो सकती है कि मेरी पढ़ाई विधायक होने के बाद की है, यानी हमने पहले कर लिया था, अर्थशास्त्र का हो गया था, उसके बाद हमने भिन्न भिन्न अनुशासनों को विधायक करते हुए, उन दिनों फिजिक्स भी हमने पढ़ी जितनी समझ में आ सकती थी, दर्शन शास्त्र भी पढ़ा जितना समझा जा सकता था, और कोई अनुशासन आपको याद हो एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी, ऐसे सारे सब्जेक्ट हमने विधायक करने के बाद पढ़े। दो कारणों से कम बोलना है, एक कारण है कि वो गर्दन की एक बीमारी सर्वाइकल या उसको जो भी अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में बीमारियां बहुत हो गई, हिंदी में होती संस्कृत में होती तो समझ में ज्यादा आती तो अगर बीच में कुछ वो आया बोलते बोलते कई बार वो चक्कर ऐसा मिले तो आप समझ लेना कि हीरो बीच में पिट गया है, वैसे इंटरवल तक पिटता है बाद में नहीं पिटता है। मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अपनी बात रखनी चाहिए शुरू में, ज्ञान का, विज्ञान का, दर्शन का, तर्क का, प्रतितर्क का, संभव मूल उपकरण जिज्ञासा है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, इसलिए विज्ञान और दर्शन को जिज्ञासा की पुत्री माना जा सकता है। विज्ञान कहने में स्त्रीलिंग लगता हो उसे पुत्री कह सकते हैं, दर्शन पुरलिंग लगता हो तो पुरलिंग कह सकते हैं, वैसे ज्ञान अनुशासन की स्त्रीलिंग पुरलिंग लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो हमको ये देखना चाहिए कायदे से कि दुनिया के अन्य देशों की ज्ञान विज्ञान की परंपरा में और भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा में मूलतः जिज्ञासा कितनी है। आप यूरोप के देशों का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र का इतिहास या फिलॉसफी का इतिहास हम सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आस्तिकता अंधविश्वास ज़्यादा दिखाई पड़ता है और जहाँ अंधविश्वास ज़्यादा होगा वहाँ विज्ञान का ज्ञान होना कठिन हो जाएगा। ऋग्वेद सारी दुनिया का प्राचीनतम उपलब्ध इतिहास है, उसी में विज्ञान और कोई किताब है नहीं, उसी में कविता है, जितने आज के अनुशासन हैं ज्ञान के उन सारे ज्ञान अनुशासनों की शोध के लिए और बोध के लिए हमारे पास उस कालखंड में ऋग्वेद के अलावा कोई उपाय नहीं। वे ऋग्वेद पर बोलना है सूची में है किसी अपने विद्वान मित्र को तो ऋग्वेद को इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि एकमात्र हमारे पास गवाह वही है जिसने पूरे जगत को आच्छादित किया है, धरती आकाश ये बनाए हैं, इस भुवन का केंद्र जानना चाहता हूँ, प्रक्षांतवाम भुवनस से नाम जो पूरा ब्रह्मांड है इसका कोई केंद्र होना चाहिए, कोई न्यूक्लियस होना चाहिए। एक जगह पर जहाँ कहते हैं कि इंद्र रात में कहाँ चले जाते हैं तो वहीं दूसरा ऋषि कहता है इंद्र है कि नहीं है ये बात मैं पूरी नहीं जानता, आप जानते हो तो मुझे बताइए। यहाँ जिज्ञासा है, प्रचलित मान्यता रही होगी उस कालखंड में कि विश्वकर्मा ने यह जगत बनाया, हम लोग भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और मानते हैं कि उन्होंने जगत बनाया। ऋग्वेद के दसवें मंडल का ऋषि कहता है कि विश्वकर्मा को नमस्कार है, उन्होंने जगत बनाया, फिर कहता है विश्वकर्मा लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि आप जगत बनाते समय बैठे कहां जब जगत नहीं था, आपका अधिष्ठान क्या था। तो फिर जिज्ञासा है, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ऋग्वेद में जिज्ञासा कहाँ कहाँ ये देखना चाहिए। मरुद्गण बड़े तेजस्वी हैं और बहुत तेज रफ्तार चलते हैं तो ऋषि कहता है लेकिन इनमें वरिष्ठ कौन है ये जाने नहीं मिलता, वो कुछ न कुछ जानना चाहता है। तो भारत का जो वैदिक कालखंड है, वैदिक कालखंड है उसमें इतनी जिज्ञासा है
सूर्य के बारे में, सूर्य को नमस्कार है। कोई आधार नहीं दिखाई पड़ता जिसमें सूर्य अटके हुए हैं, तो उस समय बांस रहा होगा बड़ा आधार जहां पर कुछ बांध बांध देते, तो कहा किसी बांस के आधार से भी नहीं लटके, तो आपको नमस्कार, आप कृपा करके बताइए कि आप लटके कैसे। अब ये बात क्या बताती है, ये बात ये बताती है कि किसी परम सत्ता के प्रति, अस्तित्व के प्रति हमारे पूर्वजों की मान्यता तो है लेकिन प्रश्नाकुलता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये प्रश्नाकुलता ऐसी है कि ऋग्वेद से लेकर पर्वती उत्तर वैदिक काल और गहरी होती जाती। एक पूरी उपनिषद का नाम हमारे यहाँ प्रश्न उपनिषद है, और शंकर और पार्वती बड़े निराले हमारे देवता हैं, प्रायः साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। अगर आज के आधुनिक काल में तुलना करें तो आधुनिक काल में ज्यादातर लोग अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं, बस फर्क ये है कि शंकर की वहाँ सवाल किया करती, यहाँ सवाल करती हैं आज के, हम तो अपनी पत्नी के साथ घूमे नहीं ज्यादा समय, नेतागिरी में चला गया, तो वो सवाल करती है कि नहीं, लेकिन पार्वती सवाल बहुत करती है। विज्ञान भैरव तंत्र बना उन्हीं के आधार पर, रामचरितमानस में कुछ कुछ पूछा करते हैं। अब ये पूछा करती थी कोई पार्वती की ही क्वालिटी, ऐसा नहीं उस समय रही ही होगी ऐसी क्वालिटी, क्योंकि गार्गी याज्ञवल्क्य से सवाल करती है, याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नियां मैत्रेयी वो सवाल करती। तो एक कालखंड ऐसा है कि जहां पर यूनिवर्सिटी में ही सवाल जवाब नहीं हो रहे, राह चलते पत्नियां अपने पति को टोक रहे हैं कि आप आगे आगे, तो चल रहे टोकती रही है, और आप लोगों ने आज भाभी जी घर पर है कि नहीं है, देखा कि नहीं देखा, एक प्रश्नाकुलता जिज्ञासा। और यह जिज्ञासा अपने बहुत मूल रूप में है, विज्ञान का जन्म होगा उस पॉइंट पर जिज्ञासा जब हम रुचि लेने लगेंगे अस्तित्व के बारे में, एक्जिस्टेंस, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, जो भी शब्द ठीक लगे, यूनिवर्स, तो जब हम उसके बारे में रुचि लेने लगेंगे तब वहां से जिज्ञासा शुरू होगी। तो तब न सत्था न सत्था क्या था, ऋषि थोड़ी सूचना भी देता है कि न सत रहा होगा न असत, तो लेकिन जिज्ञासा गहरी के तत्व क्या था, अब बड़े प्रश्न है। और उसका अंतिम प्रश्न और उत्तर और प्रश्न दोनों मिले कि आकाश में बैठा वह अध्यक्ष, अध्यक्ष को ठीक लगा होगा, मैं अध्यक्ष हूं इसलिए मुझे भी और ठीक लगता है, और अपने पद महोदय भी अध्यक्ष हैं आज की, एक एक घंटा के सही थे। तो कहता आकाशों में बैठा अध्यक्ष सृष्टि का, वो भी अपना आदि जानता है कि नहीं जानता, उसकी गति नहीं, तो उसकी उसकी अगर वो स्थिर है तो उसकी स्थिरता को प्रभावित करने वाली कोई गति, जो कुछ विज्ञान के सर्व से जो विज्ञान के आचार्य ज्यादा जानते हैं, मैं उसे संभव है कि प्रकट करने में अपने को सक्षम ना पाऊं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे छोटा ग्रंथ इसकी चर्चा है और बहुत प्राचीन साहित्य में, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की बातचीत, और जब वो नचिकेता कहता सूक्ष्म तत्व तो बताइए, तो यम कहते हैं कि ये अणु अणीयान है, ये जो अणु है उससे भी छोटा है, और महतो महीयान है, ये पूरा विराट है और उस विराट से भी बड़ा है। तो ये बात कोई उसका कठोपनिषद का ऋषि कह रहा है, वो कह रहा है अपने कथा के हवाले की यम बता रहे हैं हमको। तो ऐसे छोटे छोटे कण इनकी चर्चा और गति की चर्चा गीता बात की, गीता का लेखक बात का होनी चाहिए, जो बातें कही गई है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ विश्वविद्यालय में आप सबके सामने ये कार्यक्रम हुआ है, भारत में विज्ञान की वैज्ञानिकों की बहुत प्राचीन परंपरा है और बहुत ढेर सारा काम प्राचीन काल में ही भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिया था, तो उसको स्थायी भाव से समझने और उसे प्रचारित व प्रसारित करने, इस दृष्टि से यहाँ संगोष्ठी अभी और कई कार्यक्रम होंगे,
मैं उसके प्रारंभिक हिस्से में अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। और ये है गोरक्षनाथ गुरु के नाम से एक बनाई गई शोधपीठ, उसके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा और भी तमाम इस तरह के आयोजन आगे किए जा रहे हैं। राजनीति में शुचिता, राजनीति कोई अलग से काम तो है नहीं, ये हमारे भारतीय समाज का ही, समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का, सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से लोकमत के निर्माण का, लोकमत के संस्कार का काम है। तो ये जितना आदर्शमूलक होगा, विचारमूलक होगा, राष्ट्रनिष्ठ होगा, उतना ही दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इधर भारत की प्रतिष्ठा इसी दृष्टि से बढ़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, योग ठीक है, तो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया गया। उन्हीं के प्रभाव में सारी दुनिया ने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय प्रज्ञान, भारतीय अनुभूति, ये सबकी सराहना की। और आज भारत सारी दुनिया में बहुत प्रतिष्ठित होकर खड़ा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। और भारत की संविधान सभा में चुनाव आयोग जैसी संस्था के निर्माण पर बड़ी बहस हुई थी कि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, वो स्वतंत्र है, सरकार से अलग है, प्रतिपक्ष से भी अलग है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, उसी का उपकरण मशीन है ये EVM, उसके भी और तमाम उपकरण हैं। EVM मशीन जब हमको जितावे तो हम कहें बहुत अच्छा, हम तो जीत गए। तीन राज्यों में एक दल कहता है, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ इसलिए दल का नाम नहीं लूंगा, एक दल कहता है कि हम तीन राज्यों में भारी बहुमत से जीत गए, प्रधानमंत्री जी मोदी की खैर नहीं, और मशीनें वही हैं। और जब कहीं हार जाता है तो कहता है ये मशीन बड़ी खराब है। तो मशीन की निंदा, ये उनको इसमें रस आता होगा, लेकिन इससे सारी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब होती, ये कंटेम्प्ट है भारत की छवि का।